ओटी से मम्मी को आईसीयू में लेके गए ना, तो आईसीयू में मेरी मम्मी को ऐसे झटके से लगने लगे थे। मैंने कहा फिर ठंड तो नहीं लग रही, इनको कुछ उड़ाओ तो सही। तो एक चद्दर सी थी ना पलकी पतली सी, उसको ऐसे कहते हट ये पड़ी है ना, इसी को उड़ा दे। फिर मेरे को पीछे कर दिया, वेंटिलेटर ले आए, फिर सारे आ गए कंपाउंडर। फिर बड़े वाले डॉक्टर को फोन किया कि कोटारी हॉस्पिटल को मौत को कड़ो है, पहले भी 8-10 बार इसके सो चुके हैं, इन्होंने बोला इलाज कर देंगे, ऑपरेशन बीच में करके टांग के छोड़ कर बोला अब 1 लाख रुपए लेके आओ। जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा धरना करना पड़े, कलेक्टर साहब के यहाँ जाना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं भागीरथ और आप देख रहे हो जलको बीकानेर। जलको बीकानेर पर आप लोग गणो गणो स्वागत है। और आप ला रहा भीड़ है जी की देख रहे हो, एक अबार अपा ठीक कोटारी हॉस्पिटल के सामने खड़ा और इस जगह धरना प्रदर्शन है जी को चल रही है। एक महिला की मौत है जी की होगी, मौत को कारण है जी को कहीं आप अरे जी का भेड़ा उड़ा है भी हम बात करेंगा। अबार आप आगे कांग्रेस नेता भोरलाल जी कुकना है भी हम आप बात करेंगे भी, और कहीं कुछ करना और मौत को कारण है जी को कहीं है। नमस्कार सर। नमस्कार। यहाँ सर रात एक बच्ची अपनी माँ का इलाज कराने के लिए कोटारी हॉस्पिटल आए, इन्होंने बोला इलाज कर देंगे, ऑपरेशन बीच में करके टांग के छोड़ कर बोला अब 1 लाख रुपए लेके आओ। अब ये बच्ची आप बताओ 1 लाख रुपए कैसे लेके आए, आधी रात को कहा, इसलिए इन बच्चियों की रात की माता का देहांत हो गया। और अब ये देखो सैकड़ों संख्या में इकट्ठा हुए हैं, हमारी मुख्य मांग है कि इस कोठारी हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द करे और प्रशासन इन कोठारी हॉस्पिटल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। आप देख सका तो डॉक्टर है जी की इतनी लापरवाही है जी की क्यों बरत रही है साहब। कोठारी हॉस्पिटल को मौत को कड़ो है, पहले भी 8-10 बार इसके सो चुके हैं। मैं संघर्ष करिया और मारो संघर्ष जरूर सफल हुई थे, इन बच्चों में पूछो इन सागर रात कहीं घटना हुई, आप रहे सागे कहीं कुछ घटना हुई। अब ओटी से मम्मी को आईसीयू में लेके गए ना, तो आईसीयू में मेरी मम्मी को ऐसे झटके से लगने लगे थे। तो मैंने जो कंपाउंडर थे ना उनको बोला, मैंने कहा भैया मेरी मम्मी को कुछ हो रहा है, तो उनका कि ओटी से आई है ना इसलिए ऐसे कर रही होगी, यूँ बोल दिया। मैंने कहा फिर ठंड तो नहीं लग रही, इनको कुछ उड़ाओ तो सही। तो एक चद्दर सी थी ना पलकी पतली सी, उसको ऐसे कहते हट ये पड़ी है ना इसी को उड़ा दे, फिर यूँ बोल के चले गए। फिर मेरी मम्मी को और तेज तेज है ना ऐसे पलंग पे यूँ होने लग गई। मैंने बुलाया, मैंने कहा भैया एक बार सुनो तो सही, नहीं सुना उसने। मैंने बड़े वाले जो कंपाउंडर थे ना उनको बुलाया, मैंने कहा भैया देखो मेरी मम्मी को क्या हो रहा है, फिर नहीं सुना। फिर पास वाली आंटी कहती है तो ढीला ढाला ही है, सारे ढीले ही हैं। फिर वो आंटी पकड़ के लाई उनको, उसको फिर वो बड़े वाले से कहते हैं वो इंजेक्शन कहाँ है, कहते उस ड्रॉअर में देख उधर होएगा। फिर उसको नहीं मिला, फिर दूसरे में गया, फिर पीछे 15 मिनट उसने इंजेक्शन ढूंढने में ही लगा दिए। तब तक मेरी मम्मी ऐसे ऐसे पलंग पे ना यूँ ऐसे हो रही थी। फिर वो इंजेक्शन ढूंढ के लाया तो मैंने कहा भैया आप सही है, तो उसने ऐसे नाक पे करा और फिर वो इंजेक्शन लगा दिया, कहते हाँ आप सही है। वो ऐसे एकदम सुन में बैठी रही, सुन हो गई मेरी मम्मी। फिर थोड़ी देर बाद में कहते हट पीछे हट, फिर वो ग्रीन सा पर्दा होता है वो पर्दा लगा दिया, फिर मेरे को पीछे कर दिया, वेंटिलेटर ले आए, फिर सारे आ गए कंपाउंडर। फिर बड़े वाले डॉक्टर को फोन करा कि वो बता रहे थे फोन पर वो इंजेक्शन, कहते हैं फिर आंखें मारने लगे एक दूसरे को सारे कंपाउंडर, हाँ सर दे दिया, वो भी दे दिया, वो इंजेक्शन भी दे दिया, ऐसे बोलने लगे मेरे को पीछे की साइड कर दिया। आप इलाज है जी को कद कराने वास्ते है आठ कोठारी रुमाइन 21 को एडमिट कराया था, उससे पहले यहाँ पे जांच वगैरह करने में 2-3 दिन लग गए थे, 2-3 दिन से जांच करवा रहे थे। इलाज है जी का कौन सा डॉक्टर है जी का कर रही है? एल एन अग्रवाल करवाया था, घर भी बुलाया, उन्होंने सारी जांचें करवाई। पहले हम वो जांच अलवर में करवा के आए थे MRI वगैरह, इन्होंने यहाँ पे वापस करवाई सारी ब्लड वगैरह सारी रिपोर्ट, इधर अलवर यहाँ पे बीकानेर में करवाई थी, इन्होंने अलग वापस करवाई। उसके बाद घर पे बुलाया हमको कि घर आके दिखाओ, फिर घर पे वापस से पर्ची वगैरह कटवाई, फिर कहा कि इनका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई रिस्क है, कहते कोई रिस्क नहीं है, बस जो आँख खराब है ना उसको सही कर देंगे, जो सही है वो सही रहेगी। अगर रिस्क का बोलते ये 1% भी रिस्क बोलते तो मैं कराती नहीं ऑपरेशन। मेरी मम्मी अंधी सही थी भैया, मेरे पापा नहीं है, मेरे को मेरी मम्मी अंधी बहुत अच्छी लगती थी। मैं आप मम्मी रो इलाज है जी को आंखें इलाज कराने वास्ते कोठारी हॉस्पिटल आया, आंखों का नहीं, वो उनको न्यूरोसर्जन आंखों का तो मैं जयपुर लेके गई थी, पहले अलवर में करवाया, अलवर वालों ने कहा इनका सीटी स्कैन वगैरह कराओ, तो मैं जयपुर ले गई, वहाँ पे टंडन आई सेंटर में कराया, उन्होंने कहा इनको न्यूरोसर्जन को दिखाओ। फिर मैं वापस अलवर लेके गई तो MRI करवा के न्यूरोसर्जन को वहाँ दिखाया, उनको समझ नहीं आया, तो मैं यहाँ बीकानेर लाई थी। ऑपरेशन तो सिर का हुआ। और आप परिवार में बात करा तो आपके परिवार में कौन कौन है? और भी आप पाकिस्तान में लोग है भी आप बात करेंगे भी और कहीं कुछ कहना है। आप देख सका पीड़िता है, पीड़िता के एक माँ को सहयोग, पिताजी को सहयोग है जी को बता रहे पहले ही उठ गयो, तो इस बारे में आप कहीं कुछ कहना है? बिल्कुल, हम सब बीकानेर वासी इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए और ये हमारी बहन और मेरी बेटी समान है, हम सब मिलकर जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा
धरना करना पड़े, कलेक्टर साहब के यहाँ जाना पड़े, चाहे जिस प्रकार हमारी राजस्थान सरकार के सीएम साहब हॉस्पिटल के लिए इलाज कर रहे हैं और हॉस्पिटल की व्यवस्था वो सुधार रहे हैं, और ऐसे लोग जो सीधी हत्या कर रहे हैं इनके खिलाफ 302 का मुकदमा होना चाहिए। न्यायिक जांच की जो कमेटी बने वो स्वतंत्र कमेटी हो, ना कि इनकी कोई लिपापोती की कमेटी हो। इन्होंने क्या किया है, दोषियों को निश्चित रूप से जेल जाना पड़ेगा और इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हम अंतिम समय तक संघर्ष करेंगे। अब देख सका मौके मात पुलिस प्रशासन है जिका भी पहुंच गया, और आप घटना के बारे में कुछ कहना कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। जय हिंद, जय भारत।